चाय पीने के दौरान ध्यान रखें ये 6 बातें, वरना सेहत को हो सकता है नुकसान। चाय पीने के दौरान हम ऐसी कई गलतियां कर रहे होते हैं जो हमें फायदे की जगह नुकसान कर रही होती हैं। गुड़ की मीठी चाय से लेकर कड़क मसाला चाय तक देश में चाय की अलग अलग वैरायटी लोगों को पसंद होती है। कई लोगों को चाय इतनी पसंद होती है कि उनकी सुबह भी चाय पीने के बाद ही होती है। वहीं कुछ लोगों को सुबह के नाश्ते और शाम के स्नैक्स के साथ चाय जरूर चाहिए होती है। अगर खड़े मसाले और जड़ी बूटियां के साथ चाय बनाई जाए तो ये सेहत के लिए हेल्दी होती है। लेकिन अगर आप चाय पीने के दौरान कुछ जरूरी चीजों को नज़रअंदाज करते हैं तो यह आपकी सेहत को नुकसान भी कर सकती है। चाय पीने के दौरान रखें इन बातों का खास ध्यान। एक, खाली पेट चाय न पिएं। चाय में कैफीन ज्यादा मात्रा में होती है। अगर आप इसका सेवन खाली पेट करते हैं तो इससे आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। ये लंबे समय में गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकता है। दो, रात में सोते समय चाय न पिएं। कैफीन शरीर को एक्टिव रखने में मदद करता है, लेकिन अगर आप सोते दौरान चाय लेते हैं तो इससे आपके स्लीप पैटर्न पर असर पड़ सकता है। इसलिए सोने से करीब 4 घंटे पहले तक कैफीन का सेवन न करें। 3, दो बार से ज्यादा चाय न लें। दिन भर में 2 कप से ज्यादा चाय का सेवन न करें, क्योंकि चाय के ज्यादा सेवन से शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे आपको कई स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा भी हो सकता है। 4, चाय से पहले पानी जरूर पिएं। अगर आपको खाली पेट चाय पीने की आदत है तो चाय से पहले गुनगुना पानी जरूर पिएं। इससे आपको चाय पीने के साथ एसिडिटी या कब्ज की समस्या नहीं होगी। 5, खाने के बाद चाय न लें। कई लोगों को खाने के बाद चाय कॉफी पीने की आदत होती है, लेकिन अगर आप खाने के बाद कैफीन लेते हैं तो इससे भोजन के पोषक तत्व कम हो सकते हैं, साथ ही इससे पाचन क्रिया भी धीमी हो सकती है। इसलिए खाने के 2 घंटे बाद तक चाय का सेवन न करें। 6, चाय के साथ भारी चीजें न खाएं। शाम की चाय के साथ कई लोग नमकीन, बिस्किट, समोसे या पकोड़े खाना पसंद करते हैं, लेकिन चाय के साथ इन चीजों के सेवन से आपकी सेहत को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है।